हेलो, आपका स्वागत है ट्रैवल विद मेगा यूट्यूब चैनल पे और एक नया वीडियो में फिर से मैं हाजिर हूँ। जो मेरे चैनल पे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मैं क्या क्या करता हूँ, और जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मैं इसी चैनल में मोटो व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ये सब करता हूँ। ज़्यादातर मैं मोटो व्लॉग और उसके आसपास का जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, रूट का इन्फॉर्मेशन है, वो मैं देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब ट्रैवल वीडियो तो मैं करता हूँ लेकिन उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके जो इक्विपमेंट के रिलेशन मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं वो देता हूँ। अब क्या है, मैंने इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं कहा था कि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ जहाँ आप लोगों को रिक्वेस्ट आता है कि आप भाई आप ऐसे बनाओ, तो मैं फिर से उसके ऊपर काम करता हूँ, मतलब स्टडी करके फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज फिर ऐसे ही कुछ होने वाला है। जो प्रणव है, मुझे भेजा गया था एक उनकी तरफ से कि एक कमेंट आया था कि भाई आप जो मोबाइल का जो होल्डर होता है हम लोग जो नेविगेशन के लिए लगाते हैं बाइक में, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ ताकि पता चले कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने 3-4 किस्म की ये जो होता है इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, फिर उसके बाद एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैंने देखा मार्केट में दो ही किस्म का ये ऐसे कुछ जो चार्जर और या होल्डर आप जो भी कहो ये मार्केट में अवेलेबल है। मतलब दो, एक है जो जहाँ पे मतलब चार्जिंग का जो फैसिलिटी है वो मिलता है, और दूसरा है आपको होल्डर मिल जाएगा लेकिन चार्जिंग का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपने तरफ से कैसे कुछ। आप एक काम कीजिए, छोटा सा एक चीज़ है, मतलब एक एवी मैंने बना है, आप उसको देखिए और उसके ऊपर जो टेक्निकलिटीज़ हैं मैं उसको आपके सामने रखूँगा। ये था जो चार्जेबल होल्डर, जैसे आपने देखा कि चार्ज होता है बैटरी से। और एक किस्म का मैंने बोला था वो है ये, मैं इसको पहले यूज़ किया जो मैंने पुरुलिया जो मैंने राइड किया, ऊपर एक लिंक आ रहा है उसमें मैं दे दिया सब, उस राइड में मैं इसको यूज़ किया हुआ था। तब मेरे पास वो चार्जिंग वाला, अब जो दिख रहे हो आप, वो नहीं था। तो इसमें सब कुछ ठीक है, ये होल्डिंग भी अच्छा करते हैं, शेक भी कम होता है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें कोई चार्जेबल ऑप्शन नहीं है, तो आपको चार्ज देना पड़े, तो उसके लिए आपको पावर बैंक ये सब चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम सभी को पता है जब हम मैप यूज़ करते हैं, नेविगेशन यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है क्योंकि GPS भी एक्टिव होता है, नेट भी एक्टिव होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो मोबाइल का बैटरी वो कंज्यूम हो जाता है, तो चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको ये वाला आप लगाओ, तो इसके लिए आपको वो अलग से जो एक होता है ना, वो जो चार्जिंग के लिए एक पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद दो भी पड़ सकते हैं लंबा राइड हो, तो मेरे ख्याल से वही अच्छा होगा जो मैंने पहले दिखाया, क्योंकि चार्ज होने का ऑप्शन आपके पास हो तो वही बेहतर है। और अगर आप साइकिल या कुछ और चला रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो। तो मेरे पास पहले मैं ये ले लिया था जल्दबाजी में, मुझे बाद में जाके वो मिला। तो आप इसको यहाँ से जो पॉइंट आपको दिख रहा है आप इसको थोड़ा ढीला करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये ऐसे एडजस्ट होता है, आप देखिए होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पावर का कोई ऑप्शन नहीं है, चार्ज नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से ये लगाना बेकार है। जो पैसा है वो इसके पीछे नहीं खर्च करते तो ये अच्छा है, आप वो लगाइए।
चार्जिंग वाला होल्डर होता है वही मेरे ख्याल से लगाना ठीक होगा, क्योंकि बाइक में से ही वो चार्ज हो जाता है और बहुत कम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके लिए लगते हैं, तो ज़्यादातर तो जो बैटरी ड्रेन आउट होने की चांसेस नहीं होता है। और आप लोग जैसे देखो एक छोटा सा स्विच होता है, वो आप ऑफ करके रखो, जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप बस ड्रेन आउट भी नहीं होगा। और इसके ऊपर आप एक जो चार्जिंग पॉइंट है वो लगा सकते हो, सब कुछ मॉडिफिकेशन करके बाइक का आपको पता है। और ये जो है वो एक जो वायर है उसको थोड़ा आप टाइट करके रखिए, सेलो टेप से मैंने करके रखा था, क्योंकि आप जो हैंडल इधर उधर करने, मतलब हम लोग टूर पे जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर, तो वो नहीं टूटे, वो ठीक तरह से रहे, कि वो जो जॉइंट है बॉक्स से जो बाहर आता है चार्जिंग का, वो अगर थोड़ा इधर उधर हिले तो उसका चार्जिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने लोगों को देखा है। और जो बरसात की टाइम आएगी या कुछ पानी गिरेगा, ऐसे कुछ हालात हो टूर की जगह पे, तो उसके ऊपर एक पॉलीथिन या कैरी बैग जो भी हो प्लास्टिक का, वो आप फोल्ड करके रखिए, कि वो उसके जो यूएसबी केबल का जो होल्डर है उसके ऊपर वो पानी नहीं जाए, तो ये तो बहुत दिन तक ये टिकेगी। ऑफलाइन मार्केट से अगर ये लेंगे तो 450 या 500 या 350 380 बहुत सारे प्राइस में ऑफलाइन में मिलेगा, तो मुझे ये 445 में मिला था। और जो जिस दुकान से मिला था, मैं कोलकाता में प्रिंस अनौरशाह रोड की एक दुकान है, तो उनसे मेरा मतलब जान पहचान हो गया, मैं उधर से लेता हूँ बहुत सारे चीज़, तो वो मुझे 445 में दिया है। उनका जो फ़ोन नंबर है मैं दे दूँगा, जो वेस्ट बंगाल में या कोलकाता के आसपास रहते हो उनसे मंगवा लीजिएगा तो अच्छा होगा। ये अगर इससे कम प्राइस में मिलेगा तो आप दूसरे कहीं पे भी आप मिला से मतलब उसको ले सकते हो, तो मैं एक फ़ोन नंबर सजेशन की तौर पे मैं दे दूंगा, और चार पांच जो वेबसाइट है मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप चाहो तो ले सकते हो। और मेरे ख्याल से यही जो चार्जर है, जो चार्जिंग प्लस होल्डिंग ये दोनों करते हैं, यही अच्छा होगा बाइकर्स के लिए जो लॉन्ग टूर करते हैं उनके लिए। तो ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत इसका जो जानकारी मैं दे पाया वो आपके लिए, आपके राइडिंग के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे भेजते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बात है कुछ इस पॉइंट के ऊपर और भी कुछ कहना है, और भी कुछ वीडियो आपको सब्जेक्ट भेजना है बनाने के लिए, तो कमेंट पे लिखिए, और कैसे लगा ये भी कुछ आप दे सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अच्छा ही लगा शायद, इसको आप लाइक कीजिए और दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हो कहीं भी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये सब मिस हो जाएगा। मैं ऐसे लगातार वीडियो लाता रहता हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो गैप हो गया था थोड़ा, तो मैं फिर से ठीक हो गया हूँ और ये कंटिन्यू होने वाला है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते रहेंगे एक दिन बाद, एक दिन हफ्ते में 3-4 दिन। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो चलिए गुड बाय।